हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है ऑल यूज़ ऑफ हैव पार्ट थ्री। जी हाँ, यह पार्ट थ्री वीडियो है और मैं आशा करती हूँ आप सभी ने हैव के यूज़ का यह वीडियो यानी कि पार्ट वन और पार्ट टू में ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है, डोंट वरी, दोनों ही वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं और किन किन वेरिएशंस में हम हैव का यूज़ करते हैं। माई डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे काम हम मजबूरी में करते हैं, यानी वो काम हमें करना पड़ता है। कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं या ये कह लीजिए कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हम बना लेते हैं जो मजबूरी को, कंपल्शन को शो करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप हैव वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, हैव और उसकी बाकी की जो फॉर्म्स होती हैं उनके साथ टू लगाकर सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। अब ये सेंटेंसेस होते कैसे हैं, चलिए पहले मैं आपको हिंदी में दिखा देती हूँ। दोस्तों, कई बार हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हमारी मजबूरी दिखाई देती है किसी कार्य को करने के प्रति, ठीक है। यानी मैं बात कर रही हूँ कंपल्शन की। जब किसी सेंटेंस में आप कंपल्शन शो करते हैं कि कोई काम आपको करना पड़ रहा है मजबूरी में, तब हम वहाँ पर हैव की और उसकी फॉर्म्स को यूज़ करते हैं टू लगाकर, ठीक है। कैसे, आइए मैं बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं। दोस्तों, कई बार हम सेंटेंसेस के एंड में कुछ इस तरह से बोलते हैं जिसमें कंपल्शन शो होता है। हिंदी के सेंटेंसेस में कुछ इस तरह से, जैसे करना पड़ता है या फिर करना पड़ता था, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, या करना पड़ा, इस तरह से भी सेंटेंस आता है। करना पड़ा, मुझे खाना खाना पड़ा, मुझे पानी पीना पड़ा, इस तरह से भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं। इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस में करना पड़ रहा है, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट। पास्ट में अगर हम बोलेंगे करना पड़ रहा था, और अगर हम फ्यूचर में बोलेंगे तो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। तो अलग अलग टेंसेस, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने कंपल्शन को शो करते हैं सेंटेंसेस में कुछ इस तरह से, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ा, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ेगा। तो जब इन अर्थों में हमें सेंटेंसेस बनाना होता है, तब हम किस तरह से हैव और उसकी फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो जी, जब आपको करना पड़ता है इस सेंस में सेंटेंस बोलना है, तो आप हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और यदि आपको करना पड़ता था पास्ट टेंस में बोलना है कंपल्शन शो करते हुए, तब आप यूज़ करेंगे हैड टू। कभी कभी हम सेंटेंसेस कुछ इस तरह से भी बोल देते हैं, करना पड़ा, मुझे भागना पड़ा, तो इस सेंस में भी आपको हैड टू का ही यूज़ करना है पास्ट टेंस में। इसके बाद जब हम कहते हैं करना पड़ रहा है, यानी कॉन्टिन्यूस में हमें किसी काम का कंपल्शन दिखाना होता है, तब आपको वहाँ पर यूज़ करना है बी हैविंग टू। यहाँ पर बी की फॉर्म्स यूज़ होती हैं। बी की फॉर्म्स का मतलब है इज एम आर से, ठीक है, बी की फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट टेंस में इज एम आर। इसके बाद यदि हमें कॉन्टिन्यूटी पास्ट टेंस में दिखाना है, यानी करना पड़ रहा था, यहाँ पर कंपल्शन ही शो हो रहा है, तब भी हम बी हैविंग टू का ही यूज़ करते हैं। अब चूंकि सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का होगा, तो बी की फॉर्म्स हो जाएंगी वॉज और वर। इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। जब हम फ्यूचर में यानी फ्यूचर की बात करेंगे, कहेंगे करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, तब ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करेंगे विल हैव टू। तो ये सारी आपकी जो वर्ब हैं, वर्ब की फॉर्म्स हैं, वो हम यूज़ करेंगे टू के साथ। किस तरह से, आइए अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने पहले से ही कंपल्शन को शो करने वाले ये जितने भी फ्रेजेज हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए अब इनसे रिलेटेड हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव टू गो फॉर अ वॉक डेली। इसका मतलब है कि मुझे रोज़ टहलने जाना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर टहलने जाने की मजबूरी है, कंपल्शन है, उसे शो करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हैव टू का यूज़ किया है।
क्योंकि आई के साथ हैव लगाया जाता है, मैंने आपको बताया था हैव टू और हैज टू का यूज़ हम करते हैं, करना पड़ता है इस सेंस में, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है इसलिए हम हैव टू लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैड टू वेट फॉर बस एट बस स्टॉप, यानी उसे बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करना पड़ता था। अब ये पास्ट टेंस में कंपल्शन दिखाया जा रहा है, करना पड़ता था, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हैड टू। और दोस्तों पास्ट टेंस में कंपल्शन को शो करने के लिए हैड टू का यूज़ आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, यानी कोई भी नाउन और कोई भी प्रोनाउन उसके साथ हैड टू लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैड टू कुक फूड फॉर हिम यस्टरडे, यानी कल, बीते हुए कल की बात यहाँ पर हो रही है, कल मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ा। अब देखिए करना पड़ा, इस सेंस में हमने इस सेंटेंस को बनाया है जहाँ पर मैंने था नहीं लगाया है, तो यहाँ पर भी हैड टू का यूज़ हुआ है, आई के साथ हमने यहाँ पर लगा दिया है हैड टू। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, शी इज हैविंग टू मॉप डेली इन द हाउस, यानी उसे रोज़ाना घर में पोछा लगाना पड़ रहा है। यह है सेंटेंस की हिंदी। इस सेंटेंस में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कंपल्शन है। जी हाँ, पोछा लगाने का कंपल्शन, पोछा लगाने की मजबूरी, इसीलिए हमने यहाँ पर बी की फॉर्म इज का यूज़ किया है और लगाया है हैविंग टू। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगी, आपको अगर याद हो पिछले सेंटेंसेस में मैंने बताया था कि हैव की कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं जिसमें से एक होती है हैविंग। हैविंग यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फॉर्म कहलाती है और इसे यहाँ पर लगाया गया है बी की फॉर्म के साथ। बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, जो कि प्रेजेंट टेंस की मानी जाती हैं। ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हमने यहाँ पर बी की फॉर्म लगा दी इज, और कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए लगा दिया हैविंग। हैविंग के साथ टू इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमें कंपल्शन शो करना है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, इज का यूज़ किया जाता है सिंगुलर नंबर, प्रोनाउन वर्ड और नाउन वर्ड के साथ। यहाँ पर जो शी है ये सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर इज लगाया गया है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस जिसमें कंपल्शन शो हो रहा है। अब मान लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें कंपल्शन शो करना है, मजबूरी दिखानी है, यानी हमें कहना है करना पड़ रहा था, कोई भी कार्य हमें करना पड़ रहा था। तो चलिए इन अर्थों में भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, दे वर हैविंग टू टेक मेडिसिन एवरी डे। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है उन्हें रोज़ दवा खानी पड़ रही थी। अब यहाँ पर वही चीज़ है, कंपल्शन को शो तो किया जा रहा है लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जिसके लिए हमने बी की फॉर्म लगाई है वर। मैं फिर से यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगी, बी की पास्ट टेंस की जो फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं वॉज और वर, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे, जो कि प्लूरल नंबर का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हमने पास्ट टेंस की बी की फॉर्म में दे के साथ वर लगाया है। अब कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए फिर से हमने हैविंग का यूज़ किया है और कंपल्शन को शो करने के लिए हैविंग के साथ लगा दिया है टू, क्योंकि करना पड़ रहा था। इन अर्थों में कंपल्शन को शो करने के लिए हमें बी हैविंग टू ही लगाना होता है। टेंस के अकॉर्डिंग बी की फॉर्म्स लग जाती हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वर हैविंग टू इसका यूज़ किया है। अब लास्ट में रह जाता है आपका फ्यूचर टेंस। जी हाँ, जब किसी बात को, किसी कंपल्शन को, किसी मजबूरी को हमें फ्यूचर टेंस में दिखाना है, मान लीजिए हमें कहना है कि मुझे कल गाना गाना पड़ेगा, अब मजबूरी है भाई, गाना नहीं आता है लेकिन फिर भी गाना पड़ेगा, तो फ्यूचर में हम कंपल्शन को शो कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम सिंपली विल हैव टू का यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पर एक और एडिशनल बात मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश में अब हम शैल का यूज़ बहुत कम करते हैं, ग्रामेटिकली शैल का यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन कन्वर्जेशन में हम अधिकतर विल का ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप विल का यूज़ कर रहे हैं, शैल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, इसे एक्सेप्ट किया जाएगा। विल का यूज़ आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो जब हमें कंपल्शन को फ्यूचर टेंस में दिखाना है, यानी करना पड़ेगा,
इस सेंस में कोई सेंटेंस बोलना है तो वहाँ पर हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। आइए एक और सेंटेंस देख लेते हैं जो कि लास्ट सेंटेंस है। तो जी सेंटेंस कुछ इस तरह से है, यू विल हैव टू कंट्रोल योर एंगर, यानी तुम्हें अपना गुस्सा नियंत्रित करना पड़ेगा। अब ये जो बात बोली जा रही है ये फ्यूचर को देखकर ही बोली जा रही है, करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब सेंटेंसेस आपको बोलना हो कि ये करना पड़ेगा, तब आप वहाँ पर विल हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, मैंने विल लगाया है, हैव लगाया है और टू लगा दिया है, और सेंटेंस में कंपल्शन को शो किया है फ्यूचर टेंस की रेफरेंस में। सो आई होप दोस्तों आप सभी को ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से कंपल्शन को शो करने के लिए, किसी कार्य को करने की मजबूरी को दिखाने के लिए, हम सेंटेंसेस में हैव और हैव की जो बाकी की फॉर्म्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं टू लगा करके। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी इस तरह के टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।